भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वही सोच झलकती है जो सोच मुस्लिम लीग में थी। पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है, मुस्लिम लीग की छाप है। बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। भगवान राम को काल्पनिक कहकर कांग्रेस इस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? अब की बार तो एक्चुअली अब की बार पीएम मोदी ने इलेक्शन के मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की हर हद को पार करते हुए ओपनली कम्युनल हेट स्पीचेस और फेक न्यूज यूज करके 400 सीट्स जीतने का फैसला किया है। और 400 पार करने की इतनी डेस्परेशन शायद इसीलिए है क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा बनाए गए संविधान की वैल्यूज बदलनी है। यूपी के अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने संविधान को लेकर विवादित बयान दिया। एक सभा में लल्लू सिंह ने संविधान बदलने और नया संविधान लाने की बात कही। या नया संविधान बनाना, इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार तो 272 को ही बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए दो तिहाई बहुमत से अधिक चीज। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए 400 सीटें चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया और इस पर अब बवाल भी मचा हुआ है। ये तो हमेशा से आरएसएस का मेन एजेंडा रहा है कि सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां माइनॉरिटीज का दर्जा मेजोरिटी से नीचे होगा। और ऐसा करने के लिए हमारे सेक्युलर और इक्वालिटी इंश्योर करने वाले संविधान को बदलना जरूरी होगा। और इसी एजेंडा के तहत गोदी मीडिया के जरिए 2014 के बाद से बीजेपी और आरएसएस मिलकर एक खतरनाक माहौल बना रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए, अब संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। जय भारत। और बीजेपी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के आइडिया का मेन पार्ट है उनकी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत। के हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। और इसी नफरत को मेजॉरिटी के दिल में बढ़ाने के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी अब ओपनली और शेमलेसली मैदान में उतर आए हैं। और इसीलिए वो कांग्रेस को मोहरा बना के भारत के मुस्लिम्स को अटैक करने के लिए फेक न्यूज और हेट स्पीच का ओपनली इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हिंदू वोटर अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ भड़के
और फिर भाजपा को वोट करे चढ़ के। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सेम फेक न्यूज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने टीवी पर पहले भी कही है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, वहीं मोदी की गोदी में बैठी मीडिया ने भी न्यूज के नाम पर यही फेक न्यूज खुलेआम फैलाई है। अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने। और यहाँ तक के मोदी सरकार के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी ये झूठ दोहराया है। कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। और अब 2024 की इलेक्शन रैलीज में पीएम मोदी भी बीजेपी आरएसएस की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते हुए यही झूठ जोर जोर से बार बार बोलते दिखाई दे रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो हमने सोचा कि आज जांचा जाए कि क्या वाकई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही है। आई बिलीव आवर कलेक्टिव प्रायोरिटीज आर क्लियर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एसेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट नीड्स of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे, कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। वैसे लोगों ने एक और बात पर ध्यान दिलाया, मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर फर्स्ट क्लेम की बात कही थी, फर्स्ट राइट की नहीं, संसाधनों पर पहला दावा, न कि पहला अधिकार। बारीक बातें हैं, कह देनी चाहिए। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? और पीएम मोदी ने तो मुस्लिम धर्म के भारतीय सिटीजन्स को डीमोनाइज करते हुए उनको विलन दिखाने के लिए उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला और घुसपैठिया यानी इन्फिल्ट्रेटर तक कह दिया है। यानी ये कम्युनल नफरत फैलाने का एजेंडा अब एक बहुत ही डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। रोज हम डिबेट में आते थे तो क्या होता था, संबित जी हर विषय को आप लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, ये कैसे होगा, ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये ठीक राजनीति नहीं है। और जिस दिन हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतते हैं उस दिन सारे हमारे एंकर मित्र कहते हैं ये जो जीत का फॉर्मूला है ये कमाल का है, आप देखिए ये सारे राज्य जीत गए। हमारे देश की एक बड़ी आबादी को मोदी और गोदी के तंत्र ने झूठ और प्रोपेगेंडा का घोल दिन रात पिलाकर नफरत की नींद सुला दिया है, और साथ ही ये विश्वास दिला दिया है कि देश के 110 करोड़ प्लस हिंदू फाइनली मोदी सरकार के आने के बाद अब जागे हैं। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातन, जग ये सनातनी है। कुछ दिलो कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सारे भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य भारतीय भी सब एक हैं।
बस ये नफरती और भड़काऊ संघ ही सारे फेक हैं। अरे बहुत ही आपने तो बहुत ही बहुत अच्छे शब्दों के इस्तेमाल के साथ और बहुत मुझे क्या कहना चाहिए मधुरता के साथ जिस तरह से अपनी भावनाओं को यहाँ पर पिरोया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बी वेरी नाइस, कीप स्माइलिंग एंड से मोदी मोदी मोदी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर नहीं आती है, अगर आती है, अगर नहीं आती, अगर आती है तो भगवान से दुआ करो ना आए। अब सबको श्री राम का सहारा है, इसी को वक्त कहते हैं। नमस्कार।